हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल नए तरह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कॉर्नी मलाई ओनियन, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसके साथ आप एक एक्स्ट्रा रोटी खा लें, 7 से 8 मिनट में झटपट रेडी हो जाती है और एक बार ट्राई करने के बाद आप इसको दोबारा जरूर बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। 5 प्याज, 5 टमाटर, 1 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्चें, 9 से 10 कलियां लहसुन की, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, 2 टेबलस्पून मटर। प्याज और टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अदरक को हम कस लेंगे। मटर और कॉर्न को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को ना डालें। एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और उसमें कॉर्न ऐड करेंगे। मटर डाल लें और 1/4 चम्मच नमक डाल लें। अब इसको कवर करके गैस पर उबलने के लिए रख दें और इसको तब तक उबालेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और बीच बीच में हम इनको चलाकर चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब इनको उबलने देते हैं। अब हम दूसरी साइड पे एक दूसरी कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 तेज पत्ता, अगर तेजपत्ता बड़ा है तो 1 और छोटा है तो 2 डाल दें, और 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और कसा हुआ अदरक इसमें डाल देंगे और इसको डालकर हम थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही चलाएंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब कुछ सेकंड के बाद हम इसमें जो हमने बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज काटी थी उसको डाल देंगे। इसको मिक्स करके अच्छे से कुछ मिनटों के लिए भून लेंगे, जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती है। इसको पूरी तरह से नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा रंग आने पर ही इसको हल्का सा रंग आने तक ही भूनेंगे। अब ये हल्की हल्की ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को डालकर मिक्स करेंगे और फिर उसको 1 मिनट तक हम सौते करेंगे। और इस तरह इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे बीच बीच में। और 1 मिनट के बाद हम इसमें अपने मसाले सारे ऐड करेंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और लाल मिर्च 1/4 चम्मच
और जैसा कि आपका टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और सॉल्ट एंड नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं, और 1/4 चम्मच आमचूर। इसमें टमाटर काफ़ी है तो इसलिए हमें ज़्यादा आमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें मेथी की चटनी का मसाला डालेंगे जो कि हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और इसमें सभी मसाले साबुत होते हैं। आप चाहे तो उनको साबुत ही डाल सकते हैं या उन्हें मिक्सी में दरदरा सा पीस लें और 1 चम्मच मेथी की चटनी का मसाला डाल दें। मेथी की चटनी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, और आप चाहें तो इसमें दूसरे मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम 1 चम्मच मेथी की चटनी का मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच दरदरी कुटी हुई या पिसी हुई सौंफ डालेंगे, और उनको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक के लिए उनको भून लेंगे। इसको 1 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे और भून लेंगे। अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम इसका मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है मलाई। 2 टेबलस्पून मलाई डालेंगे इसमें, मलाई से इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। मलाई डालने के बाद इसका कलर चेंज, मिक्स करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो नीचे लग जाएगा। अभी इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है लेकिन बाद में इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और इसे इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। 2 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इसमें हम 1/4 स्पून देगी मिर्च ऐड करेंगे। देगी मिर्च से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और इसमें तीखापन नहीं होता ज़्यादा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि तेल किनारे ना छोड़ने लगे। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और हम अपना जो दूसरी साइड हमने मटर और कॉर्न उबलने रखे थे उनको चेक करेंगे, उनको दबाकर देख लेंगे वो पक गए हैं या नहीं। ये पक चुके हैं, अब इनको हम एक छन्नी में छान लेंगे। और अब हमने जो मसाला तैयार किया था उसके नीचे एक बार फिर से गैस जलाएंगे और इनको कॉर्न और मटर जो हमने उबाले थे अच्छे से पक गए हैं और उनको हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इनको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद 1 मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है मसालों का वो कॉर्न और मटर में अच्छे से आ जाए। भूनने के बाद इसकी गैस हम ऑफ कर देंगे, और गैस ऑफ करने के बाद इसको कटे हुए हरे धनिया से गार्निश करेंगे, और हमारी सब्जी तैयार है। इसको मिक्स करने के बाद इसको बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर इसको हम चपाती, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।